तो पिछले एपिसोड में हम देखे थे फुयो एक साल बाद जापान इत्सुकी के पास वापस आती। हस्बैंड खुद फुयो और इत्सुकी के रिश्ते को एक्सेप्ट करता। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश नजर आती, बट ये खुशी कुछ ही पल के लिए, क्योंकि इत्सुकी के लाइफ में फर्स्ट लव आ चुका जो योरियम है। वो ना कोरिया के फेमस इन्फ्लुएंसर है। इत्सुकी से मिलकर ना योरियम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती। वो सीधे बिना हाय हेलो किए सीधे हग करती। इत्सुकी योरियम को देखकर हैरान हो जाती क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नजर आती। इत्सुकी को योरियम के बारे में पता चलता है कि ये लेस्बियन है, जो हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अनाउंस की। यहाँ पर हमें पता चलता है योरियम हाई स्कूल में जब थी तब वो हाउस स्टे प्रोग्राम के दौरान इत्सुकी के घर में स्टे किया करती। योरियम अपने पास से इत्सुकी के साथ वाला फोटो दिखाती। वहीं फुयो को हम शॉपिंग करते हुए देखते, तभी उसकी नजर एक इयररिंग पर पड़ती, जिसे देख कर ना फुयो को वो इयररिंग याद आता जिसे फुयो और इत्सुकी पहना करती। फुयो जब इत्सुकी से ब्रेकअप के वजह से गुस्सा थी ना, तब वो इत्सुकी के सामने अपने इयररिंग को तोड़ देती, जिस वजह से ना इत्सुकी को काफी बुरा लगता। यही याद करके फुयो इस इयररिंग को खरीद लेती। योरियम और इत्सुकी दोनों बात कर रही होती है, तभी योरियम बातों बातों में ना लाइव स्ट्रीम करने का बात करती। वो लोकेशन खोजने लगती, तभी उसकी नजर फर्स्ट फ्लोर पर पड़ता, जिसे देखकर ना योरियम वहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने का बात करती। तो इत्सुकी ये देखकर ना उसे फुयो के बारे में याद आता, तो इत्सुकी मना करने लगती, बट योरियम परफेक्ट प्लेस बताकर वहीं पर लाइव स्ट्रीम करती। साथ में इत्सुकी को भी ज्वाइन करने को कहती। योरियम के पास स्टाफ आकर पूछने लगती कि इंटरव्यू में योरियम जिसके बारे में बात की, क्या ये इत्सुकी है जिसे योरियम पसंद किया करती? तो योरियम हाँ कहती और बाद में लव कन्फेस करने का बात करती कि वो जल्दी लव कन्फेस कर देगी। फुयो को हम देखते हैं जो बाहर में कैंडी खरीद रही होती, तभी उसका कॉइन नीचे गिर जाता, तो यूना उसके पास आकर हेल्प करने लगती। यूना फुयो को देखकर हाय हेलो करते हुए पूछती है, तुम कब आई, क्या तुम इत्सुकी से मिली? तो फुयो बताती है कि वो कल आई और इत्सुकी से मुलाकात हो गई है। तो ये सब सुनकर ना यूना फुयो को कंपनी में आने को कहती, तो फुयो मिलने के लिए तैयार हो जाती। तो जब फुयो इत्सुकी को मैसेज करती है ना, तो इत्सुकी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिस वजह से ना फुयो बहुत परेशान नजर आने लगती क्योंकि इत्सुकी एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। तो फुयो मेलो कैफे का ऑनलाइन अकाउंट देखती, तभी उसकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ती। हम देखते हैं योरियम लाइव स्ट्रीम के दौरान ना इत्सुकी से ज़्यादा ही क्लोज नजर आती। फुयो ये सब देखकर गुस्से में इत्सुकी के पास आने का डिसाइड करती और वहाँ से निकलती। वहीं इत्सुकी जब फ्री हो जाती है ना, तो वो फ़ोन को चेक करती है। फुयो का बहुत सारे मैसेज को देखकर परेशान होने लगती। योरियम के बारे में बताया जाता है, एक दिन वो डीडी कंपनी के रिलेटेड एक आर्टिकल देख रही होती, जिसे देखकर ना उसे इत्सुकी के बारे में पता चलता कि वो वहाँ पर काम किया करती और तानियो प्रोजेक्ट का लीड कर रही। फिर कुछ दिन बाद फिर से इत्सुकी के बारे में पता चलता है कि वो अब मेलो कैफे की मैनेजर है। यही सब देखकर जापान आने का डिसाइड करती। योरियम इत्सुकी को अपने दिल की बात बताती कि वो इत्सुकी को कभी भूल नहीं पाई। वो इत्सुकी को 12 साल पहले ही से पसंद किया करती और आज तक इत्सुकी को पसंद किया करती है, और यही सब कहते हुए इत्सुकी को लव एक्सेप्ट करने को कहती। तो इत्सुकी ये सब सुनकर ना माफ़ी मांगती और बताती है कि वो किसी और को पसंद किया करती। तो योरियम पूछने लगती, क्या तुम अपना लव कन्फेस कर दी, तुम दोनों डेट कर रही या नहीं? तो इत्सुकी कहती है कि लव कन्फेस करने के बाद भी वो दोनों डेट नहीं कर रहे। तो योरियम वजह पूछती है, तो इत्सुकी बताती है कि जिस इंसान को इत्सुकी पसंद किया करती वो मैरिड है, जिस वजह से वो दोनों अभी साथ नहीं। तो योरियम कहने लगती, तुम मैरिड पर्सन के पीछे मत पड़ो, मुझे चूज करो, मैं कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करूंगी। और ये सब कहते हुए योरियम इत्सुकी को हग करती, तो इत्सुकी माफ़ी मांगते हुए इसे रिजेक्ट कर देती, बट योरियम इत्सुकी को फिर से हग करने लगती और एक्सेप्ट करने को कहती। तभी वहाँ पर फुयो आती है और इन दोनों को इस तरह से देखकर गुस्से में फुयो अपने पास से इयररिंग निकालकर इत्सुकी की तरफ फेंककर वहाँ से चली जाती। इत्सुकी ये सब देखकर फुयो को रोकने की कोशिश करती, तो योरियम फुयो का नाम सुनकर ना समझ जाती कि ये वही पर्सन है जिसे इत्सुकी पसंद किया करती। तो नेक्स्ट डे फुयो डीडी कंपनी में आती है, तभी वो तीनों को हाई स्कूल गर्ल के पीछे आते हुए देखती। फुयो ये सब देखकर पूछने लगती कि ये हाई स्कूल गर्ल कौन थी? तो ये तीनों फुयो से हाई हेलो करते हुए बताती है कि ये तानियो सेकाई की मेन ऑथर है, झा सुलिन की यंगर सिस्टर, झा सुलिन बस रिप्रेजेंटेटिव थी। तो यही सब बात करते हुए नानासे लाइव स्ट्रीम के बारे में बताती है कि वो लाइव स्ट्रीम देखी। लाइव स्ट्रीम के दौरान इत्सुकी बहुत अनकंफर्टेबल नजर आई। फुयो का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, इत्सुकी आज तक फुयो को पसंद करती आई, ये डेटिंग ऐप में फुयो के तरह पर्सन फाइंड करती आई। फुयो को इत्सुकी कभी धोखा नहीं दे सकती, तो फुयो इत्सुकी के बारे में सुनकर ना रिलैक्स फील करती। तभी ये तीनों योरियम के बारे में बात करने लगती।
योरियम पहले बहुत ही गरीब थी, उसके पास रहने के लिए ना घर ना खाना, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से गुजारा हुआ करती। ये सब होने के बावजूद सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई और आज लाखों फॉलोअर्स है। योरियम के बारे में जो बात बताया गया है ना, ये सब कुछ योरियम अपने वीडियो में बताती है, जिसे देख ना सच में मेरा दिमाग ख़राब होने लगे। इतना गरीब होने के बावजूद कोरिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई और आज बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है। सच में इस तरह की बात ना ड्रामा सीरीज ही में हो सकती, जो रियल लाइफ में तो कभी भी नहीं हो सकता। खैर, फुयो इंटुने की बातें सुनकर ना टेंशन लेने लगती कि वो ब्यूटीफुल, स्मार्ट और स्ट्रांग पर्सन है। तभी ये तीनों फुयो का फेस को देखकर योरियम का बुराई करने लगती। वही योरियम को देखते हैं जो किसी से बात कर रही होती और फुयो को हैंडल करने का बात करती। तो इसके बाद इत्सुकी को देखते हैं जो फुयो से मिलकर बताती है कि योरियम जापान में स्टडी किया करती थी। इस दौरान इत्सुकी के घर में योरियम स्टे किया करती। इसके बाद अब ये दोनों मिले और ये भी कहती है कि इन दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं जैसे कि फुयो समझ रही। तो ये सुनकर ना फुयो कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो कौन इस तरह से हक करता, तुम उसे छोड़ने के लिए क्यों नहीं कही। इत्सुकी फुयो की बात सुनकर चिल्लाते हुए कहने लगती कि वो बस फुयो को पसंद करती है, फुयो के अलावा इत्सुकी के लाइफ में और कोई भी नहीं है। फुयो ये सब सुनकर लिफ्ट के अंदर आती और बहुत खुश होने लगती क्योंकि इत्सुकी बिना झिझक के सबके सामने लव एक्सेप्ट की। तभी लिफ्ट काम करना बंद कर देती, जिसे देख कर ना फुयो घबराने लगती। लिफ्ट खराब होने के बारे में सबको बाहर में इन्फॉर्म किया जाता, जिसे सुनकर इत्सुकी फुयो के पास कॉल करती बट कॉल नहीं लगता। तो वो सिक्योरिटी रूम में आकर सिक्योरिटी के साइड करके फुयो से बात करने लगती। इत्सुकी कॉलेज डे के बारे में बताती है, जहां पर फुयो हमेशा घबराया हुआ नजर आती और हमेशा की तरह इत्सुकी नोटिस करती और ये सब बात करते हुए इत्सुकी रिलैक्स होने को कहती। तभी लिफ्ट के अंदर का लाइट बंद हो जाती। तो यह देखकर ना इत्सुकी टूल के पास लिफ्ट के पास आती और खुद लिफ्ट को खोलने लगती, जैसे तैसे करके लिफ्ट को खोल देती। फुयो इत्सुकी को देखकर सीधे इत्सुकी के पास आती और ये दोनों किस करने चलती। तभी सिक्योरिटी वहां पर आता और पूछने लगता है कि लिफ्ट का गेट किसने तोड़ा। तो इत्सुकी जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाती और सेटलमेंट करने के लिए ना सिक्योरिटी के पास चले जाती। तो जब रात हो जाती है ना, तो हम फुयो को देखते हैं जो डिनर रेडी करके अच्छे से तैयार हो रही होती। तभी उसके पास कॉल आता है। फुयो इत्सुकी समझकर बात करती बट उसे पता चलता है कि ये इत्सुकी नहीं बल्कि योरियम है। योरियम फुयो से कहती है कि तुम मैरिड होकर इत्सुकी को यूज़ कर रही, तुम ये सब कैसे कर सकती। फुयो बताती है कि वो जल्द ही डाइवर्स लेने वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। डाइवर्स वाली बात सुनकर ना योरियम कहती है कि तुम्हारा डाइवर्स नहीं हुआ तो जो तुम कर रही इसे अफेयर कह सकते, तुम्हारे वजह से इत्सुकी को कितना बुरा लगता होगा। तो ये सब सुनकर ना फुयो कॉल को रख देती और उसे बहुत बुरा लगता। तभी वहाँ पर इत्सुकी आती। फुयो इत्सुकी को देखकर माफ़ी मांगने लगती कि उसके वजह से इत्सुकी को बहुत कुछ सहना पड़ा। तो ये सुनकर ना इत्सुकी कहती है कि तुम्हारे साथ रहने से कभी भी मुझे बुरा नहीं लगने वाला, सब ठीक है। और ये सब कहते हुए दोनों डिनर करती। दोनों वही सेम इयररिंग पहनी होती है जिसे फुयो को हम खरीदते हुए देखे। इत्सुकी अपने हाथों से फुयो को फ्रूट खिलाती है और इसके बाद इत्सुकी जैसे ही फुयो को किस करने चलती है ना, तो वैसे ही फिर से कोई इंटरप्ट करता, डोर को नॉक करने लगता। तो फुयो चेक करने चलती है ना, तो फुयो जल्दी से इत्सुकी के पास आकर छुपने को कहती क्योंकि फुयो की माँ वहाँ पर आ गई। तो इस वजह से इत्सुकी को छुपने को कहती और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता। तो अब इन दोनों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि माँ आ गई तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। एक तो इन दोनों के अगेंस्ट माँ है और यहाँ तक कि योरियम भी आ गई, जो बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं वो तो हमें बाद में पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।